नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गोब्लॉक्स पे एक नई पाम की वीडियो के साथ। दोस्तों, इस पाम का हम आज एनालिसिस करेंगे। बहुत कुछ इस पाम में नया देखने को मिल रहा है और हम इनके एक एक लाइनों का, उसमें बनने वाले चिन्हों का, आपकी उंगलियों का, आपके अंगूठे का, आपका मणिबंध का और आपकी पूरी हथेली का हम एनालिसिस करके, रीडिंग करके और इसी वीडियो में उस चीज़ को बताएंगे और जो उपाय इससे निकलते हैं उनको विधिवत तरीके से लिख करके बहुत सुंदर तरीके से किस विधि से करना है, क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से उसका जीवन काल में उपयोग होता है, क्या असर पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। मैं अपने दर्शकों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है, साथ ही घंटी का आइकन आएगा उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो ये जो है हमारी अनामिका जो उंगली है ये अच्छी खासी लंबवत खड़ी और गुरु की उंगली से बड़ी दिखाई पड़ रही है। बहुत अच्छा इसको माना जाता है, ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे। और अगर अभी आपकी उम्र है और सरकारी नौकरी की कोशिश करिएगा तो सफलता निश्चित ही आपकी हासिल होगी आपको, क्योंकि इसमें आपका जो गुरु का पर्वत है, जो आपका बृहस्पति है, वो बहुत अच्छा आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर आप IAS IFS और कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में या मैनेजमेंट में किसी बड़े स्तर पर या चिकित्सा में या राजनीति की ओर भी अगर इशारा करते हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी निश्चित ही मिलने जा रही है। कोशिश करिएगा, निश्चित जीवन में आपको मिलेगी, क्योंकि आपकी भाग्य की लकीर भी जो है यही चीज़ें जो है कहती हुई चली आ रही है। थोड़ा सा अड़चन कहाँ पे है, वो आपके जो है सूर्य के इस क्षेत्र पे जो है हल्के रूप से दिखाई पड़ रही है, इसका भी जो है थोड़ा हल्का सा समाधान करने पर ये चीज़ ठीक हो जाती है। हाँ, अगर हम वर्तमान स्थिति को देखते हैं, आपकी उंगलियों को देखते हैं, आप भी बहुत सुंदर तरीके से देखें, आपकी जो ये कनिष्ठिका है, ये अनामिका है और ये तर्जनी है, इनका झुकाव बीच की उंगली की तरफ है तो शनि के गुण अधिक मात्रा में वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं और जिसका असर भी आपके जीवन काल में देखने को मिल रहा होगा। ऐसे में अगर व्यक्ति के जीवन में सब कुछ होता हुआ भी थोड़ा सा जीवन काल में खुशियों में कमी आती है, संघर्ष को थोड़ा सा बढ़ावा देती है। और अगर हथेली के तीसरे पौरवों को देखें तो इसमें जो है छिद्र नुमा दिखाई दे रहा है, खर्चीला स्वभाव को ज़्यादा बता रहा है कि व्यक्ति के अंदर खर्चीला स्वभाव ज़्यादा होगा। वही एक बढ़िया चीज़ की ओर भी चले पहले, फिर और चीज़ें हम देखने की कोशिश करते हैं। एक बहुत सुंदर जो है आप देखोगे कि मंगल क्षेत्र पर एक मंगल रेखा है, सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ रही है, बहुत सुंदर अवस्था में जो है आप देख ही रहे होंगे खुद। आपके अंदर प्रतिभा और तीव्र बुद्धि जरूर होगी, सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से मौजूद होगी। और ऐसे जो जातक होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे या पुरुष हो, जीवन काल में जो निर्णय एक बार लेते हैं, जो डिसीजन एक बार लेते हैं, उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य जरूर रखते हैं। ये रुतबा होता है इनका, एक खासियत होती है। और आप जैसे लोग जीवन काल में एक उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक आपने उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की, जब तक आपने उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की, तब तक जो है विश्राम नहीं लेते हैं। और आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में बहुत अच्छा, प्रतिभाशाली, प्रभावशाली जो है होता जाएगा और देखने को भी मिल रहा है। ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप से मिलता है
और ये धन रेखा भी है, जमीन जायदाद से धन देती है, जमीन जायदाद से धन तो देती है, दूसरों को सहयोग भी देते हैं। लकड़ी का व्यवसाय हुआ, कागज का व्यवसाय हुआ, नाव या बोट का व्यवसाय हुआ, इसमें ज़्यादा जो है फलदायी होती है। थोड़ा ये शुक्र क्षेत्र से गुजरने के कारण लापरवाही के गुण भी देती है, आदमी आज का काम कल पे टालने की सोचता है। अगर ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर अगर कर ले तो ये गुणों को नष्ट करने शुरू कर देती है और व्यक्ति जो है अपने प्रोग्रेस, अपनी डेवलपमेंट को अपने ही हाथों से ख़त्म करता है। तो आपको एक चीज़ चाहिए कि मेहनत में कमी नहीं लानी चाहिए। वहीं मंगल पे एक दो चीज़ें बहुत अच्छे रूप में दिखाई पड़ रही हैं, या तो फोटो में हैं पूरी रूप से नहीं आई या है, तो ये देखिएगा एक तरफ से इस तरह से वर्ग के निशान जो है आपकी हथेली में निश्चित तौर से बन रहा है। ये बहुत सुंदर है, इसको बहुत लकी माना जाता है, इसको लकी माना जाता है और ये आपको कहीं ना कहीं निश्चित मानिएगा अपनी कमाई के पैसों से अपने घर के सपने को आप पूरा जरूर करेंगे, आपको अचल संपत्ति का लाभ निश्चित तौर से होगा, ये परफेक्ट है। एक चीज़ और भी देखने को मिल रही है, देखिएगा यहाँ पे ये जीवन रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, इनके बीच में गैप दिखाई पड़ रहा। व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा का होता है, अपनी मन की करने वाला होता है, अपने निर्णयों पर चलने वाला होता है और कहीं न कहीं जल्दबाजी में अगर निर्णय लेता है तो बाद में पछताना भी पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। और दूसरी बात है कि ऐसा व्यक्ति कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस का भी शिकार हो जाता है, मगर एक जिद्दी होता है, अपने जीवन में जो कुछ के लिए उसने जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो उद्देश्य बनाया हुआ होता है उसको हासिल करना इस व्यक्ति का जुनून होता है, ये व्यक्ति उस चीज़ को हासिल जरूर करता है। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, 30 से 35 वर्ष की आयु के बीच थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशानी देगा ये आपको, या हो सकता है 40 वर्षों तक भी दे, थोड़ा सा परेशानी देगा, मानसिक परेशानी देगा, चिंता ज़्यादा कराएगा, मगर एक सपोर्टिंग लाइन भी है और एक इधर भी लाइन है तो नुकसान नहीं होगा, भारी मात्रा में क्षति नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा, मगर थोड़ा सा मानसिक परेशानी ज़रूर देगा। और जो ये आज़ादी वाला आपका हिस्सा है वो आपका कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदल जाएगा, व्यक्ति किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में, किसी संगीत वगैरह में या जीवन काल के लिए बहुत अच्छी योजनाएं बनाने में जुट जाएगा और उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं जीवन काल में बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा और उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर इशारा आपकी रेखाएं कर रही हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे ये उंगली भी बहुत कुछ अपने आप में बता रही है और ये पर्वत भी बहुत कुछ अपने आप में बता रहा है, बहुत सुंदर है। जीवन रेखा जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा दे रहा है, जीवन काल में थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो एक जो है कहीं ना कहीं अगर ये क्रॉस का चिन्ह बन रहा है तो 35वें वर्ष तक, 30+ के बाद और 35 तक थोड़ा सा जो है कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है, उस ओर जरूर ध्यान दीजिएगा। आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा हाइपर हो सकता है, किसी से लड़ाई झगड़े की योग जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये पहले हो चुका है, आप इस दौर से निकल चुके हैं तो आगे नहीं होगा। अगर होने की संभावना है तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख लीजिएगा, मैं इसका बहुत सुंदर उपाय दूंगा और इसका जो नेगेटिव प्रभाव है आने से पहले ही हम उसका उपाय करके इस चीज़ को निश्चित तौर पे 100% कह रहा हूँ मैं, इस चीज़ को हम ख़त्म कर लेंगे, इस परेशानी को हम ख़त्म कर लेंगे। मगर जीवन काल में जिस तरह से जीवन की रेखा है चंद्रमा की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहा है, व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहते हैं, संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद देखा जाए तो पीछे की ओर जारी है तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना जरूर रहेगी। और बुढ़ापे की स्थिति में देखें दो चीज़ें हैं, एक तो लंबी और हवाई यात्रा का
बहुत सुंदर व्यक्ति को मौका मिलेगा अपने जीवन काल में, कभी भी मिल सकता है, कोई एक एज जो है इसमें बता नहीं रहा है। दूसरी बात है पैतृक संपत्ति का व्यक्ति को अच्छा खासा लाभ मिलेगा और जीवन काल में अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों का बहुत सुंदर लाभ जो है बुढ़ापा काल में मिलेगा। मगर व्यक्ति के अंदर हमेशा ही खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा, पैसे को बचाने में थोड़ा कमजोरी ही यहाँ पे दिख रही है। तो वो तो कोई ज्योतिषीय उपाय इसके लिए नहीं होते हैं, व्यक्ति की समझ, व्यक्ति की आदत इस चीज़ पे निर्भर करती है। धन और संपत्ति की बात करते हैं तो धन संपत्ति के लिए जो है भाग्य रेखा का होना बहुत सुंदर होता है, बहुत ज़रूरी होता है। आपकी भाग्य रेखा मणिबंध की तरफ से यूँ जा रही है, फिर ये से कर्ब लेके इस तरह से जा रही है। करीबन 28 से 30 वर्षों के बीच में हल्का सा जो है संघर्ष की स्थिति आएगी, उसके बाद बहुत सुंदर जो है आपके योग बनते जा रहे हैं और 36वें वर्ष से तो व्यक्ति की योग बहुत अच्छा है, जीवन में निरंतर प्रगति के योग जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इसमें चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है तो 40 के बाद ही जो है धन योग बनेंगे, मगर मुझे लगता है चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव इसमें नहीं पड़ रहा है। बहुत सुंदर योग है, थोड़ा सा 2-4 साल जो है थोड़ा सा संघर्ष के कठिनाइयों के ज़्यादा हैं, थोड़ा सा ये अलग सी परेशानियां भी दे सकता है, धन के मामले में भी संघर्ष रह सकता, मगर आगे का जीवन जो है एक बेहतरीन जीवन है, निरंतर प्रगति, निरंतर उन्नति, वाहन का सुख निश्चित आपके जीवन में है अगर आप चाहें, घर का सुख निश्चित ही आपके जीवन में है आप चाहें, थोड़ा से उलझनों से और गुस्सेपन से थोड़ी दूरी बनाए रखिएगा, ये आपके लिए ठीक नहीं है, इसमें नेगेटिव है। थोड़ा जीवन काल में शनि के ज़्यादा गुण आने से जीवन काल में थोड़ा सा परेशानियाँ, थोड़ी सी जीवन में खुशियों की कमी रह सकती है और खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रह सकता है, पास से बचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आएंगे तो बहुत अच्छा, मगर आपकी आदत के अनुसार या ये कहें कि ग्रहों के अनुसार पैसा उस रूप में सेविंग थोड़ा मुश्किल हो रही है, इस चीज़ के और आप विशेष ध्यान देंगे ये हमारी कामना है, इस चीज़ का कोई उपाय नहीं होता है। बाकी हम मंगल का बहुत सुंदर उपाय आपको दे देंगे और ये जो संघर्ष की स्थिति है इसका भी हम बहुत सुंदर उपाय आपको दे देंगे, बहुत सुंदर आपका जीवन रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं आपकी अंगूठी की, अंगूठा आपका हथेली से में उंगलियों से लेके सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है, सबसे बढ़िया दिखाई दे रहा है और ये बहुत श्रेष्ठ भी है, अच्छा है ऐसा। इच्छा शक्ति बहुत कमाल की है जीवन में कुछ करने की, तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है जीवन में कुछ करने की, अपनी बातों को लोगों को सही ढंग से समझा सकते हैं, बहुत अच्छा सकते हैं, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्के रूप से जो है कमी दिखाई दे रही है, उसको ज़रा पूरा करिएगा। थोड़ा सा आप सुबह और शाम को एक गायत्री मंत्र का 108 बार बोल बोल कर जप करें तो, और हरी सब्जी, हरे फल, हरी दालों का प्रयोग अगर अधिक करें और मेडिटेशन थोड़ा सा करें, चाहे 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, और भगवान सूर्य को निरंतर अगर जल चढ़ा सकते हैं चढ़ाएं तो आपके जीवन में कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, जीवन आपका बहुत सुंदर से चलेगा। आप देख रहे होंगे दोनों पर्वों के बीच में एक सुंदर आकृति जो है आपकी यव की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ रही है, ये इंगित कर रही है आप बहुत सौभाग्यशाली होंगे, आप खुद की मेहनत के पैसों से जीवन काल में खुद के घर का सपने को पूरा करेंगे। हाँ, आप भावुक भी होंगे, इमोशनल होंगे, खास तौर पे अगर हम देखें यहाँ पे जो ये चंद्र का क्षेत्र है, ये चंद्रमा है आपका, ये काफ़ी अच्छी बली अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, ऐसे में गद्दी नुमा दिखाई पड़ रहा है, ऐसे में जो व्यक्ति होता है चाहे वो महिला हो या पुरुष हो काफ़ी नाजुक हृदय के होते हैं। दूसरी बात, तहजीब पसंद होते हैं अच्छे सलीके से जीवन जीना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन से रहना, जितना मतलब हो उतनी ही बातें करना, ये चीज़ आपके अंदर बहुत अच्छा है। अगर हम अंगूठे के साथ साथ देखें तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा अन्य उंगलियों में भी सेम चिन्ह जो है बनते दिखाई पड़ रहे हैं,
ऐसे लोग बहुत विद्वान होते हैं, बहुत समझदार होते हैं और जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाते हैं, बिना किसी की सहायता के जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और जीवन के सार को ये लोग समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए जीवन को आगे बढ़ा कर ले जाते हैं। बहुत अच्छा व्यक्तित्व तो आपका आगे निखर कर आ रहा है, क्योंकि गुरु की भी इसमें जो है काफ़ी भूमिका देखने को मिलता है। बहुत अच्छा व्यक्तित्व तो निखर के जो है आगे जो है आने वाला है, क्योंकि माइंड लाइन भी जो है आपके इसकी तरफ ज़्यादा इशारा कर रही है। तो अच्छी लेखन की कला ऐसे लोगों में बहुत अच्छी आ जाती है, किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में ऐसे लोगों का मन डूबा रहता है। और संगीत प्रेमी में ऐसे लोग होते हैं, लेकिन थोड़ा सर्दी हुआ, जुखाम हुआ, नज़ला हुआ, खांसी हुआ, इस प्रकार की जो शिकायत है कभी कभार हो सकती है, तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जीवन काल में एक सावधानी ज़रूर रखें, आप पार्टनरशिप में काम न करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इंडिविजुअल किसी कार्य को करना चाहिए, ये इनके लिए अच्छा रहता है। और आप जैसे लोग किसी भी व्यवसाय को कर सकते हैं, किताबों से संबंधित हुआ, स्टेशनरी से संबंधित हुआ, होलसेल हुआ, और साथ में कहीं ना कहीं कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट, गायन, वादन, वकील, कला, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके लिए खुल जाते हैं, बहुत सुंदर आपके ऐसे क्षेत्र आते हैं। अगर आपका ये बहुत ज़्यादा फल नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि सूर्य रेखा और सूर्य जो है आपका उस रूप में नहीं है कि इसको सपोर्ट करे, तो ये कहीं ना कहीं संघर्ष के साथ कामयाबी को दिखाती है। और ये यव आकृति ये भी दर्शाती है कि आपने जीवन में संघर्ष के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा के ले आए हैं और संघर्ष के साथ ही जीवन को आगे बढ़ा कर ले जाएंगे। अगर फिर भी जो है आपको इसका पूरा जो है फायदा नहीं मिल रहा है, तो गायत्री मंत्र का आपको सुबह शाम 108 बार बोल बोल के जाप करना चाहिए। बहुत सुंदर जो है इसका आपको फायदा मिलेगा। हम अगर बात करते हैं आपके शुक्र ग्रह की, शुक्र ग्रह को अगर हम देखते हैं तो बहुत सुंदर अवस्था में उभार लिए हुए है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व को ये दे रहा है, विलासिता भी ये बहुत अच्छा देगा आने वाले समय में, परिवार का भी साथ रखेगा और परिवार का भी सुख कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का भी सुख मिलेगा। मगर वर्तमान स्थिति को देखें तो यहाँ पे काफ़ी बैठा हुआ है, तो ये भौतिक सुख सुविधाओं में कमी का कारक को दिखाता है, मानसिक परेशानी को दिखाता है, व्यक्ति चिंता भी ज़्यादा करता है, किसी विषय को लेके सोचता भी ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा है। तो मैं शुक्र का उपाय दूंगा, क्योंकि अगर शुक्र ठीक नहीं है जीवन में तो जीवन में कुछ भी जो है ठीक नहीं हो सकता है, इसीलिए शुक्र के भाग को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। अगर हम मंगल की बात करें, मंगल की बात मैंने पहले भी की, मंगल बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। अगर व्यक्ति का मंगल इस तरह से फूला हुआ होता है, यहाँ पे इस तरह से अगर क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, वैसे ये क्रॉस का नहीं है, वैसे ये डिब्बे बन रहे हैं, यहाँ पे अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। अगर किसी तरह आपको दिखता है अपनी हथेली में क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, तो झगड़े फसाद वाद विवाद से दूर रहे, इससे कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है। फिलहाल देखें तो एनर्जेटिक स्वभाव है, हाँ थोड़ा गुस्सापन ज़्यादा हो जाता है इसमें, क्रोधी स्वभाव को ये देता है, बात बात पे व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और व्यक्ति आपाक हो सकता है, तो इसका मैं उपाय दूंगा ज़रूर करिएगा। अगर हम आपके बृहस्पति की उंगली देखें, थोड़ा छोटी है, नेतृत्व क्षमता में थोड़ा कमी ये लाती है, मगर बृहस्पति का जो माइंड पर्वत है वो बहुत सुंदर है, माउंट जो है उभरा हुआ है, अच्छा है, स्वयं भी उन्नत करेंगे, जो आपके संसर्ग में आएगा उसको भी उन्नत करने में सहायता प्रदान करेंगे, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले होंगे, परोपकारी होंगे और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मात्रा में अगर देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर अच्छी खासी मौजूद होगी। शिक्षा हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, चिकित्सा हुआ और मैनेजमेंट हुआ, इस और अगर आप कोशिश करेंगे तो अच्छी कामयाबी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है।
देखिएगा, इसका प्रभाव भी आपके जीवन में बहुत सुंदर पड़ रहा है। अगर हम बहुत सुंदर तरीके से देखते हैं, आप भी देखिएगा, ये बृहस्पति जो है पांच तत्वों में आकाश तत्व का अधिपति होता है, जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है और वायु है ना। इन चार तत्वों को जो तत्व अपने अंदर समाहित करता है या बाकी चार तत्वों से बड़ा होता है, वो होता है हमारा आकाश तत्व, और ये बृहस्पति हमारा आकाश तत्व का ही मालिक होता है। इसीलिए आकाश जितना बहुत व्यापक है ना, जितना विराट है ना, हमारा बृहस्पति का प्रभाव भी उतना ही व्यापक और उतना ही विराट होता है, और हमारे जीवन पर वो उतना ही विराट प्रभाव डालता है। और इसको धन का कारक भी कहते हैं, तो धन के मामले में बृहस्पति आपको राजा बना देगा, मगर तब जब जो है आपका शुक्र और आपका मंगल भी यथा स्थिति में आ जाता है। तो अगर हम आपके शनि को देखें, शनि की उंगली बहुत अच्छी है, थोड़ा इस तरफ को मुड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अन्य लोगों से आपको, एक साधारण लोगों से आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा ये उभरा हुआ भी ज़्यादा है यहाँ पे, थोड़ा ना थोड़ा ये नेगेटिव प्रभाव जीवन में देता है, खुशियों में कमी लाता है, संघर्ष को बढ़ाता है, या कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाए तो ये अलग सह प्रभाव देता है जीवन काल में। इसके लिए मैं आपको बहुत सुंदर उपाय दूंगा, ये निश्चित तौर से करिएगा, जीवन काल में फायदा होगा। अगर हम देखते हैं आपका अनामिका उंगली, ये इस तरफ ज़्यादा फैली हुई है। व्यक्ति धन के मामले में शोहरत पाने के लिए ज़्यादा उसके मन में जो है आतुरता रहती है, तो ये बहुत सुंदर भी है, हिम्मती स्वभाव भी है। अगर यहाँ पे देखा जाए आपका सूर्य के पर्वत पे, सूर्य के पर्वत पे बहुत सारे रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पे ये छोट रहा है। वर्तमान में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, और चाहे नौकरी कर रहे होंगे, चाहे व्यवसाय कर रहे होंगे, उसमें विस्तार नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि आपका जो है विस्तार करने वाला ग्रह, ऊर्जा का ग्रह, रास्ता देने वाला ग्रह कमजोर स्थिति और दोषयुक्त स्थिति में बैठा हुआ है। इसको पुष्ट, इसको सुंदर करना और अपनी स्थिति में लाने के लिए इसके उपाय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी दशा में व्यक्ति के पास बहुत अच्छे काम आते हैं, बहुत अच्छी डील आती है, तो भी वो बनते बनते रह जाता है, और धन के मामले में भी व्यक्ति के अंदर जो है कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पैसा तो आता है, मगर हथेली में टिक पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा जो बरकत की भावना है वो बरकत थोड़ा कम आती है। अगर छोटी उंगली देखें तो अच्छी खासी लंबी है और पहले पोर के करीबन पहुंच रही है, तो मनी मैनेजमेंट, कागजों के रखरखाव में और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सुंदर आपका रहने वाला है। थोड़ा इस माउंट को देखें तो अच्छा भला है, पर बहुत सारी रेखाएं हैं, तो अपने काम के प्रति, जो अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में थोड़ा मध्यम स्थिति को बता रहा है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी हल्की सी परेशानी रह सकती, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे आपका अनबन के मामले में हो, उस ओर ध्यान देना चाहिए। वैसे व्यक्ति जो है बहुत तीव्र मस्तिष्क का है, बहुत सुंदर व्यक्ति है ऐसा ये बता रहा है, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले इंसान हैं, और कहीं ना कहीं जो है जो व्यक्तित्व है वो भी ये निखार रहा है। भौतिक सुख सुविधाएं भी आपको बुध बहुत अच्छा देगा। इस रेखा को देखें तो बहुत सुंदर है, ज़्यादा व्यक्ति थोड़ा सा दिल से ज़्यादा सोचता है, आदर्शवादी व्यक्तित्व है, दृढ़ निश्चय ऐसे है, ऐसे वाला व्यक्तित्व आपका है। अगर देखा जाए तो एक मस्तिष्क रेखा से यूं रेखा निकल के जा रही है, ऐसे व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुण ज़्यादा होते हैं और व्यापार में ज़्यादा व्यक्ति जो है कामयाब भी होता है। अगर यहाँ पे मंगल की स्थिति देखें, दृढ़ निश्चयी होंगे, साहसी होंगे, निडर होंगे, कायरता आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, आप उसको झेलने में, हंसते हंसते उसको झेल सकते हैं, मन आपका अडिग रहेगा। अगर हम सबसे सुंदर पर्वत की ओर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं चंद्रमा, बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, आप भी बहुत सुंदर होंगे, खूबसूरत होंगे, और खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरत सोच के मालिक भी होंगे, और कहीं ना कहीं देखा जाए
तो कहीं ना कहीं ये इस तरह से जारी है, अभी धुंधली स्थिति में है। आने वाले टाइम में आपको ये विदेश यात्रा भी निश्चित तौर से करवाएगी। आपका मणिबंध भी बहुत सुंदर है, अभी पूर्ण रूप से मणिबंध जो है विकसित नहीं हुआ है। यदि ये पूर्ण रूपेण अगर विकसित हो जाता है कम से कम 2.5 से 3 साल के अंदर अंदर या 1 साल के अंदर, जैसा भी जिस तरह से भी विकसित हो जाए, आपको अपने घर का, अपने वाहन का और धन और विद्या का लाभ ये निश्चित तौर पे आपको देगी और कर्मों को भी अच्छी तरह से ले जाएगी। मगर एक बात कहना चाहूँगा, वर्तमान स्थिति में थोड़ा मानसिक स्थिति बनी हुई है, संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, ये थोड़ा टाइम तक रहेगी। दूसरा, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, चाहे नौकरी कर रहे होंगे चाहे व्यवसाय कर रहे होंगे, विस्तार की स्थिति अभी नहीं है, विस्तार नहीं हो पा रहा है, काम बनते बनते रुक सा रहा है, ये स्थिति भी कुछ टाइम तक रहेगी। थोड़ा गुस्सैल स्वभाव रह सकता है, कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है, इस ओर ज़्यादा ध्यान दें तो नहीं बनेगा। बाकी रही, बहुत सुंदर ग्रह और नक्षत्र हैं। हाँ, भविष्य के लिए कह सकते हैं, आने वाले 2023 से शुरू से ही बहुत सुंदर योग जो है दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं, चाहे धन के मामले में हो, चाहे व्यवसाय के मामले में हो, चाहे आपके स्वास्थ्य के मामले में हो। अभी स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ा सा लीवर संबंधी थोड़ा विकार उत्पन्न हो सकते हैं, या मानसिक मन संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं, पेट संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं, या रीढ़ की हड्डी या हड्डियों संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इस और थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो ग्रह नक्षत्र खराब स्थिति में है उनको ठीक करने का प्रयास करिएगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको इसमें बता दिया है और जो उपाय हैं विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझे जो है व्हाट्सअप जरूर कर लीजिएगा, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर निश्चित तौर से दूंगा। हो सकता है 1-2 दिन ज़्यादा लग जाए, क्योंकि अभी काम की अधिकता है, तो इसलिए जो है प्रत्येक दिन मैं व्हाट्सअप नहीं देख पाता हूँ, एक दिन छोड़ के देख पाता हूँ, या कभी जो है प्रत्येक दिन ही देख लेता हूँ, पर थोड़ा टाइम लगता है। पर अगर घबराइएगा नहीं, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चनों का आंसर दूंगा। और दूसरा ये चीज़ है, जो विधि सहित उपाय भेज रहा हूँ, कहीं पे समझ नहीं आएगा तो वो भी आप लिख लीजिएगा, उसको भी मैं आपको बहुत सुंदर तरीके से समझा लूँगा। अब मैं दर्शकों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिएगा, वीडियो अगर आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, मैं प्रयास करता हूँ कि वीडियो को इस तरह से बनाया जाए, हथेलियों की रेखाओं को, हथेलियों के ग्रहों को इस तरह से समझाया जाए कि आप अगर सामान्य व्यक्ति भी हैं तो आप इस चीज़ को समझ लें। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो एक छोटा सा विश्लेषण था, अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।